खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर जिला विकास कार्य समय से पूरे हों इसके लिए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अल्मोड़ा में सभी विभागों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान 5 करोड़ से ऊपर की योजनाओं की समीक्षा कर कमिश्नर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वन भूमि हस्तांतरण के मामलों में वन विभाग को क्षतिपूर्ति के तौर पर पौधारोपण के लिए दी गई 500 हेक्टेयर भूमि को खारिज करने पर कमिश्नर ने नाराजगी जताई है। कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि कमेटी बनने के बावजूद बिना वजह के प्रतिपूरक भूमि को खारिज करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि समीक्षा करने पर मालूम हो रहा है कि यह जानबूझकर हो रहा है। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। जो भी हमारे विकास कार्य हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, ये समय रहते समयबद्ध तरीके से हों, उसी क्रम में आज जो 5 करोड़ से ऊपर की योजनाएं हैं उनकी समीक्षा अल्मोड़ा जिले में की गई। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट स्टेट प्लान्स हैं, सेंट्रल प्लान्स हैं, उनको देखा गया, फॉरेस्ट जो काम कर रही है उनको देखा गया, और पुलिस की ओर से जो कार्रवाई हो रही है उसकी भी समीक्षा की गई। कुल मिला के तो स्थिति संतोषजनक है। केवल फॉरेस्ट के केस में मुझे समीक्षा करने में पता चला है कि जो कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्टेशन के लिए जमीन चिन्हित है, जो लगभग 500 हेक्टेयर से ऊपर है, उसको बड़ी सरसरी तौर पर खारिज किया जाए।